अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एम टी कैट इंग्लिश की प्रेपरेशन का आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट का लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 11 रूल्स को लर्न किया था, आज हम रूल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो जो रूल नंबर 12 है, यानी आज की वीडियो का जो पहला रूल है, वो ये है कि सम और ऑल, ये दो वर्ड्स जो हैं, दे टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनको यूज किया जाए तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, एंड दे टेक प्लूरल वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, जब इनको काउंटेबल नाउन्स के साथ आप यूज करेंगे तो फिर इसके साथ आप प्लूरल लगाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अगर आप कहते हैं ऑल आर वेल दैट एंड वेल, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको कहना है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। व्हाई? बिकॉज यहां पे ऑल जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं ऑल इज विलिंग टू गो टू द पार्क, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जो है ये जब आप कहते हैं कि तमाम जाने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने कहना है ऑल आर विलिंग टू गो टू पार्क, क्योंकि यहाँ पे ऑल मतलब तमाम तमाम लोग जाने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑल है ये काउंटेबल नाउन्स, यानी कि कुछ लोग हैं जिनको काउंट भी किया जा सकता है, लेकिन आप कलेक्टिव नाउन के तौर पर यहाँ पे ऑल का जो वर्ड है ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया। फिर उसके बाद कमेटी, ज्यूरी और फैमिली, ये जो तीन वर्ड्स हैं, फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स आर यूजली, दे यूजली टेक सिंगुलर वर्ब बट दे नीड प्लूरल वर्ब्स व्हेन दे रेफर टू देयर इंडिविजुअल मेंबर्स। यानी ये हैं तो कलेक्टिव नाउन और इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, लेकिन जब इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कमेटी है, कमेटी में 8-10 लोग होते हैं, ज्यूरी के अंदर भी इसी तरह से 8-10 या इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, फैमिली के अंदर भी 4 लोग भी हो सकते हैं, 40 लोग भी हो सकते हैं, तो जब आप कलेक्टिव नाउन पर यानी कि एज अ होल सबके हवाले से बात कर रहे होते हैं तो फिर आप सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसके इंडिविजुअल्स के हवाले से आप बात कर रहे होते हैं तो फिर आप इसके साथ प्लूरल लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं अगर कि द कमेटी आर मीटिंग टुडे टू स्टार्ट द इंक्वायरी, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमेटी एज अ होल आप बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि द कमेटी हैज नॉट येट डिसाइडेड द केस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो कमेटी के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द कमेटी हैव नॉट येट डिसाइडेड, इस तरह से आपको सेंटेंस जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद रूल नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000 और मिलियन। तो द यूनिट्स ऑफ काउंटिंग हैव नो प्लूरल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड विद एग्जैक्ट न्यूमरल्स, यानी कि अगर आप कहते हैं 2 dozen, 3 dozen, 5 score, 300, 4000, 2 million, तो फिर उसके साथ आपको SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ही बॉट 5 dozens एग, अगर आप 5 जब लगा हुआ है साथ में तो फिर आपको डजन के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये कहेंगे कि ही बॉट 5 dozen एग्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो इसमें जनाब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं सेम वही, दीज यूनिट्स, यानी कि dozens ऑफ, hundreds ऑफ, thousands ऑफ, millions ऑफ, यानी यही वर्ड जो हमने रूल नंबर 14 में डिस्कस किया, इनके साथ हम एस कब लगाते हैं, दीज यूनिट्स आर यूज इन प्लूरल फॉर्म व्हेन नो एग्जैक्ट नंबर इज गिवन। यानी यहाँ पे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर गिवन था ना, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं है तो फिर आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं ना देर वर dozens ऑफ बुक्स ऑन द फ्लोर, देर वर dozens के दर्जनों किताबें जो थी फर्श पर मौजूद थी, तो फिर आप इसके साथ एस लगा सकते हैं। इसी तरीके से मिलियन ऑफ रुपीज, अगर आप कहते हैं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, मिलियंस ऑफ रुपीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, तो फिर यहाँ पे आप इसके साथ एस लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 16 की तरफ। इन द सेंटेंसेज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, यानी ऐसे सेंटेंसेज जिसमें हम लिंकिंग वर्ब्स को यूज कर रहे होते हैं, इज आर एम वाज पर नाउन्स इंडिकेटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, अमाउंट्स, डिस्टेंसेज एटसेट्रा यूजली टेक सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, जैसे 2 + 2 आर 4 नहीं होगा बल्कि 2 + 2 इज 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल कंक्लूजन। 2 + 2 मेक्स 4 नहीं होगा बल्कि 2 + 2 क्या होगा, मेक 4 होगा। ठीक है, 2 subjects have been joined as in Ali and Aslam go to school, जिस तरह Ali and Aslam goes to school नहीं होता बल्कि Ali and Aslam go to school होता है, तो यहाँ पे भी 2 + 2 ये क्या है, 2 + 2 makes 4 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये mathematical equation नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब प्लस आपने लगा दिया तो ये क्या है, इक्वेशन बन गई, लेकिन यहाँ पे 2 + 2 जब कह देते हैं तो फिर इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 17 की तरफ। तो इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैनी, अ, मोर देन, वन। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, फॉलोइंग फ्रेजेस कन्वे प्लूरल सेंस,
ठीक है, बट टेक सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स दो दे गिव प्लूरल सेंस, कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये देती तो प्लूरल सेंस हैं, लेकिन इसके साथ जो हम नाउन यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, और जो वर्ब होता है वो भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे मैनी अ मैन हैव बीन किल्ड इन दिस वॉर, आप नहीं कहेंगे बल्कि मैनी अ मैन हैज बीन किल्ड, हैव आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मैनी अ मैन भी नहीं लगा सकते, मैनी अ मैन आ गया ना, ठीक है, मैनी आ, तो आ के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे मेजोरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ और अ ग्रेट मैनी। ये जो तीन वर्ड्स हैं दे टेक प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स, इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यूज करते हैं। जैसे मेजोरिटी ऑफ द बॉयज इज एबसेंट टूडे नहीं होगा बल्कि मेजोरिटी ऑफ द बॉयज आर एबसेंट टूडे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन यूनिफॉर्म नहीं होगा बल्कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 19 की तरफ, तो अब इसमें ये है वन ऑफ के हवाले से। वन ऑफ जो है ये जहां पे भी आप यूज करेंगे वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज वन, ठीक है। जैसे वन ऑफ द बॉय आप नहीं कह सकते, वन ऑफ द बॉयज और उसके बाद फिर सिंगुलर आएगा, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज वाज फाइंड, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज वन, कि एक लड़कों में से एक को जुर्माना किया गया, तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो जो आपने सब्जेक्ट यूज करना है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस रूल को भी अच्छे तरीके से बेटा समझ लें, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा, द रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच और दैट दे टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, कि ये मैंने वैसे आपको एंटीसीडेंट्स पहले भी डिटेल के साथ पढ़ाए थे। तो ये जो वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका जो एंटीसीडेंट होता है यानी कि इनसे पहले जो नाउन मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसका डिसाइड करते हैं कि इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले, तो अब इट इज आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, आई एम द वन हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एम की जगह पर क्या आ जाएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन एंड, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब आप एंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ फिर आपको प्लूरल वर्ब्स लगाना पड़ता है। जैसे अ स्टूडेंट एंड हिज ब्रदर वाज इन्वाइटेड नहीं होगा बल्कि अ स्टूडेंट एंड हिज ब्रदर वर इन्वाइटेड टू द फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। सम टाइम्स टू वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू अ सिंगुलर पर्सन और थिंग, इन सच केसेस द वर्ब रिमेंस सिंगुलर, यानी कि एंड के जरिए आप दो वर्ड्स को जोड़ते हैं लेकिन उसका मतलब एक ही बन रहा होता है। जैसे द चेयरमैन एंड डायरेक्टर आर प्रेजेंटिंग ओवर द मीटिंग नहीं होगा बल्कि द चेयरमैन एंड डायरेक्टर इज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, क्यों, क्योंकि चेयरमैन और डायरेक्टर एक ही बंदा है, एक ही बंदा है जो चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी है, तो फिर आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। माई ब्रदर एंड बिजनेस पार्टनर आर अनएबल टू अटेंड द सेमिनार, गलत हो जाएगा, माई ब्रदर एंड बिजनेस पार्टनर इज अनएबल टू अटेंड द सेमिनार, यानी कि मेरा भाई, जो मेरा भाई भी है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी, अब एक ही बंदा है जिसके लिए आप दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको जो वर्ब यूज करना पड़ेगा वो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 23 की तरफ। समटाइम्स टू सिंगुलर वर्ब्स आर कनेक्टेड बाय एंड बट कलेक्टिवली दे मेक अ यूनिट, इन सच केसेज द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे अ हॉर्स एंड टोंगा, अ हॉर्स एंड टोंगा एक ही चीज है ना, एक यूनिट बन जाता है दोनों को जोड़कर, तो फिर इसके साथ हैव नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, अ हॉर्स एंड टोंगा हैज कम। अ डंकी एंड कार्ट आर रेडी नहीं होगा बल्कि अ डंकी एंड कार्ट इज रेडी। ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड नहीं होगा बल्कि ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 24 की तरफ। इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय फॉलोइंग कंजंक्शंस, यानी कि ये जो कंजंक्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, और Either or, neither nor, not only but also, यानी कि ये एक है not only but also, neither nor इकट्ठा आता है, either or इकट्ठा आता है या अकेला और, यानी कि ये आ जाए या either और दोनों आ जाएं, neither और nor आ जाएं या not only but also आ जाएं, तो फिर क्या होगा, the verb is according to the second subject, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर he or his parents, आप देखें he और his parents, अब आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेकर आना है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, his parents, तो his parents क्या है, ये प्लूरल है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि he और his parents is required to see the principal, बल्कि आप कहेंगे he और his parents are required to see the principal, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 25 की तरफ। इफ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस, यानी ये जो कंजंक्शंस दिए गए हैं इन कंजंक्शंस को आप देख लें, तो अगर ये इनके जरिए सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों तो द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू,
इंक्लूडिंग लाइक एंड नॉट, ठीक है, और एडेड टू, ये जहां पर भी आ जाएं तो फिर आपने यानी ऊपर वाली वाला जो जो सिचुएशन थी यहां पे आपने सेकंड के अकॉर्डिंग लेकर आना है वर्ब, और अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो फिर आपने फर्स्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लेकर आना है। जैसे द यूनियन लीडर टुगेदर विद द वर्कर्स, आप देखें टुगेदर विद द वर्कर्स एक है और द यूनियन लीडर, ठीक है, द यूनियन लीडर और टुगेदर विद द वर्कर्स, अब ये टुगेदर बीच में आ गया ना, टुगेदर के जरिए इन द यूनियन लीडर और वर्कर्स इनको जोड़ा गया है, तो फिर आप क्या लेकर आएंगे, आप जो वर्ब लेकर आएंगे वो द यूनियन लीडर सिंगुलर है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि द यूनियन लीडर टुगेदर विद द वर्कर्स आर मीटिंग, बल्कि आप कहेंगे कि इज मीटिंग, क्यों, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंगली आपने वर्ब लेकर आना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, 26 रूल की तरफ, समटाइम्स द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फ्रेज इन विच नो कंजंक्शन इज यूज, इंस्टेड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय प्रेपोजिशंस, इन सच केसेस द नाउन और प्रोनाउन यूज बिफोर द फर्स्ट प्रेपोजिशन इज द सब्जेक्ट वर्ड एंड द वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है, यानी कि जब बहुत ज्यादा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ जोड़कर एक ही फ्रेज बनाकर उसको सब्जेक्ट बनाया गया होता है, तो जो फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले जो जो वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो ही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे एवरी वन ऑफ यू हैव एन इक्वल शेयर, तो अब इसमें एवरी वन जो है ये ऑफ से पहले क्या है, एवरी वन है, तो एवरी वन के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि एवरी वन ऑफ यू हैज एन इक्वल शेयर, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ दीज अर्ली डेज, अब ये सारा का सारा आपका क्या है, वन ऑफ द अर्ली प्लेयर्स ऑफ दोज अर्ली डेज, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो अब इसमें वन के अकॉर्डिंगली आप जो है वो सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वाज होगा। तो हमने जो मेजर रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो तमाम के तमाम लर्न कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ MCQs जो आपके MD CAT के पैटर्न के अकॉर्डिंग है उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा, और उसके बाद फिर हम आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउन्स, बाकी जो मिस्टेक्स हैं उनको इसी तरह से लर्न करते हुए हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से आपको MD CAT का मुकम्मल जो कोर्स है उसका एक ही लिंक मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोज़ आपको तरतीब के साथ मिल जाएंगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, खुदा हाफिज़।